बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी प्रमुख लालू यादव की हालत नाजुक बनी हुई है। खबर है कि लालू यादव को पटना से एयर एम्बुलेंस के जरिए दिल्ली लाए जाने की तैयारी की जा रही है। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पारस हॉस्पिटल पहुंचकर लालू यादव से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। इससे पहले पीएम मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी सहित देश के कई बड़े नेताओं ने फोन कर लालू यादव की तबीयत की जानकारी ली। बता दें कि बीते सोमवार को लालू यादव पटना में राबड़ी आवास पर सीढ़ियों से गिर गए थे। इस वजह से उनके कंधे की हड्डी टूट गई थी। इसके साथ उनके शरीर के दूसरे हिस्सों में भी गंभीर चोट आई है। गौरतलब है कि लालू यादव पहले से ही कई गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। लालू से मिलने अस्पताल पहुंचे सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि लालू यादव हमारे पुराने मित्र हैं, मैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। उधर नेता प्रतिपक्ष और लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने बुधवार को कहा कि अगर जरूरत पड़ेगी तो आरजेडी सुप्रीमो को सिंगापुर ले जाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम सभी राजनीति में हैं, लेकिन ऐसे मामलों में हम राजनीति से पड़े हैं। पीएम मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी फोन कर पूर्व सीएम का हालचाल जाना है। अब तो फ्रैक्चर हो चुका है और कुछ और बीमारियों का इलाज भी चल रहा है, तो एक बार दिल्ली हम लोग जाएंगे, पूरी तरीके से जो डॉक्टरों की राय होगी दिल्ली में भी, अगर सिचुएशन अगर सिंगापुर भी ले जाने लायक होगी तो हम लोगों का प्रयास रहेगा कि सिंगापुर